गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर शैलजा मैडम। हम देख रहे थे पार्ट एक हीरे की आत्मकथा। एक हीरे की आत्मकथा पार्ट देख रहे थे। उस पार्ट में क्या है कहानी? एक हीरे की कहानी है। आत्मकथा मीन्स लाइफ स्टोरी, हीरे मीन्स डायमंड, एक डायमंड का लाइफ स्टोरी है। हीरे का जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के पन्ना गांव में हुआ। बाद में वो हीरे एक व्यापारी के हाथ में मिला। वो व्यापारी ने उसको पॉलिश करके अपने घर में छिपा कर रखा। लेकिन क्या हुआ, एक दिन एक चोर आकर उसको चुरा लिया। चुरा कर कहां रखा वो चोर? गंगा नदी के किनार पर एक गड्ढे में रखा। कहां रखा? गंगा नदी के किनार पर एक गड्ढे में रखा। लेकिन अचानक एक दिन बाढ़ आ गया वहां। बाढ़ का मतलब मैं बतायूं, फ्लड आ गया। फ्लड आने के बाद गंगा नदी उसको लेकर बहुत दूर तक गई। किसको लेकर? हीरे को लेकर बहुत दूर तक लेकर गई। वैसे बहते 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 हुए एक तरफ जाकर क्या, एक किनारे पर पड़ गया वो हीरे। नेक्स्ट व्हाट हैपन, वहां मिट्टी में पड़ गई। वहां सभी इस पर पांव रख रख कर दबा गया। वो बहुत नीचे 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 गया। इसके बाद में उस इलाके के बच्चे वहां खेलते थे, खेल कूद करते थे और दौड़ते थे। उनका पांव लगा लगा कर उसको बहुत दर्द होता था। किनको? हीरे को। लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। तब क्या हो गया, हीरे ने भगवान के पास प्रार्थना की। क्या करके? भगवान मुझे ये दुख से पार कर लो करके प्रार्थना कर रहा था। कौन? हीरे। बाद में क्या हो गया अब हम देखेंगे। ओके, यहां तक तो पता है। वैसे दिन महीने और साल बीत गए लेकिन कोई उसको उठा नहीं लिया, क्योंकि किनको भी पता नहीं था यहाँ हीरे पड़ा है। जैसे इसलिए वो भगवान का मांग रहा था, क्या, वो भगवान मुझे पर दया करो। लेकिन एक दिन क्या हो गया, देखो, एक बार एक किसान ने मुझे देखा। उसने मुझे केवल एक चमकदार पत्थर समझ और अपने हल की मूट पर जड़ दिया। अचानक एक दिन एक जवारे ने मुझे हल पर देखा। देखिए क्या हो गया, एक दिन एक किसान ने, किसान मींस फार्मर ने देखा उसको। किनको? हीरे को। फार्मर, किसान देखकर वो क्या किया, हल का मतलब खेती में काम करने वाला एक उपकरण, एक वस्तु। वो ये एक क्या वैल्यूएबल वस्तु है। वैसे लेकर वो क्या किया, किसान ने अपने हल पर रख दिया। रखकर घर में लेकर गया, वहां वैसे ही रख दिया। एक दिन अचानक जवारी ने मुझे हल पर देखा। एक व्यापारी ने देखा उसको। एक दिन किसान के घर में एक व्यापारी आया था। वे व्यापारी ने देखा, हो यह हीरे है, उसको समझा। किनको? जवारी को। लेकिन किसान को पता नहीं था ये हीरे है। सिर्फ वो समझा एक फैलिएबल मोती है, इतना ही। नेक्स्ट, उसने मुझे केवल एक चमकदार पत्थर समझा और अपने हल्की मूठ पर जड़ दिया। अचानक एक दिन एक जवारी ने मुझे हल पर देखा। उसने किसान से पूछा, अरे यह पत्थर तुमको कहां से मिला? वो जवारी ने किसान को पूछा, ये पत्थर कहां से तुम्हें मिला? किनको पूछा? किसान को पूछा। कौन? जवारी ने पूछा। अरे यह पत्थर तुमको कहां से मिला? किसान ने बताया कि वह मुझे गंगा जी के किनारे से उठा लाया। मैं उसको एक गंगा जी के किनारे पर से मैं उठा कर लाया। वहां पड़ा था वो। वैसे
कौन बताया? किसान ने जवारी को बताया। जवारी ने मुझे 25 रुपए में खरीदा। जवारी को पता था इसका वैल्यू कितना है, लेकिन वो क्या सोचा, किसान को कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं एक कम रुपए में खरीदूंगा। वैसे सोचकर वो क्या किया, सिर्फ 25 रुपए में, 25 रुपीज, 25 रुपए में वो हीरे को किसान से जवारी ने खरीद लिया। नेक्स्ट, उसने मुझे एक चांदी की डिब्बे में बंद कर दिया। देखो, जवारी ने घर लेकर गया वो चांदी की डिब्बे में, चांदी मीन सिल्वर, बेल्ली, चांदी की डिब्बे में क्या किया, बंद किया, चांदी के डिब्बे में डाल कर रखा। कौन? जवारी ने, क्योंकि उसको पता था इट इज वैल्यूएबल थिंग। नेक्स्ट, जवारी ने मेरा मूल्य बहुत ही कम लगाया था। वो तो लेकर चांदी के डिब्बे में डाल कर रखा, वो एक तरफ से कुछ बात है, लेकिन और एक तरफ से वो बहुत कम मूल्य देकर परचेज किया ना, सिर्फ 25 रुपए देकर परचेज किया ना, इसलिए इस बात पर वो हीरे को दर्द हुआ। गॉट इट? सी नेक्स्ट, जवारी को हीरे की उत्तम फरक होते हुए भी उसने मेरा मूल्य नहीं जाना, इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ। वही दिए, देखो, जवारी को पता था मैं हीरे हूँ, मेरा वैल्यू कितना होता है वो भी उसको पता है, फिर भी वो क्या किया, सिर्फ 25 रुपए में मुझे खरीद लिया ना, इसलिए मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वैसे हीरे ने दुखित हुआ। नेक्स्ट, घर आकर उसने खुशी से डिब्बा खोला तो मुझे टुकड़ों में पाया, वह बहुत दुखी हुआ। देखो, घर में आकर हर दिन क्या करता था वो, कौन, जवारी ने बाहर जाता था अपने काम के लिए, बाहर जाता था, बाद में आने के बाद क्या करता था, वो डिब्बे खोलकर एक बार हीरे को देकर और डिब्बे बंद करके रखता था, क्योंकि इट इज वेरी वैल्यूएबल थिंग। उस बात के लिए बहुत कुछ था हीरे को, क्योंकि अपने को चांदी को डिब्बे में डालकर रखा है, उस बात पर बहुत कुछ था, लेकिन सिर्फ 25 रुपए देकर मुझे खरीद लिया ना, इसलिए मुझे दर्द हो रहा है। वैसे हीरे समझ रहा था, दुखित हुआ। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड? सी, देखो अभी तक क्या हुआ है, वो कहाँ पड़ा था, नदी के किनारे पर पड़ा था, नदी के किनारे से कौन उठा लिया, किसान ने उठा लिया, किसान ने उठा लिया, वो अपने हल पर रख दिया। एक दिन उसके घर में कौन आया, एक जवारी ने आया, जवारी ने अचानक, जवारी का नजर उस पर पड़ा, किस पर, हीरे पर। वो पूछा, ये पत्थर कहाँ से लाया है? तब किसान ने बताया, ये गंगा जी के किनारे पर पड़ा था, मैं उठा कर लाया हूँ। तब वो जवारी ने किसान को बताता है, मैं 25 रुपए देता हूँ, मुझे दे लो। वैसे किसान 25 रुपए लेकर उस पत्थर को किनको दिया, जवारी को दिया, लेकिन किसान को पता नहीं था ये हीरे है। इस बात के लिए हीरे को बहुत दुखित हुआ, और एक बात के लिए बहुत संतोष हुआ, खुशी हुआ, कि कौन सा बात के लिए, वो जवारी ने जाकर अपने घर में चांदी की डिब्बे में डालकर रखा ना, उस बात के लिए बहुत खुश हुआ हीरे को। रोज आना जाना करता था घर में कौन, जवारी ने, जब वो अंदर आता है वो डिब्बे खोल कर देखता था और बंद करता था, खोल कर देखता था और बंद करता था। वैसे ही दिन बीत रहे थे। पहले कहा था, फर्स्ट वन खाने में, खाने में, बाद में कौन लिया उसको, एक व्यापारी ने, व्यापारी से कौन चुरा लिया, चोर ने, चोर कहाँ रख दिया, नदी के किनारे गड्ढे में, गड्ढे से कहाँ गया वो, ऐसे बहते बहते गंगा जी के साथ बहुत दूर चल पड़ा, मिट्टी में पड़ा,
वहां से कौन लिया? किसान ने। किसान से कौन खरीदिया? जवारे ने। अभी तक पता हुआ ना? सी नेक्स्ट। हाँ, मैंने जवारे से कहा, मैंने आदर भी पाया और निरादर भी। आदर मीन्स सम्मान, निराधार मीन्स क्या होता है? रिजेक्ट करना, डोंट केयर करना। आदर भी पाया है मैं, निरादर भी पाया हो। इसका मतलब, आदर का मतलब जब वो व्यापारी ने खरीद लिया, घर में बहुत छुपा कर रखा था, तब भी उसको आदर मिला। फर्स्ट टाइम क्या व्यापारी ने लाया ना, तब वो बहुत ठीक तरफ से छिपा कर रखा था, वो भी आदर है। बाद में नदी के किनारे पड़ा था ना, किनारे में, वो निरादर है। इसके बाद में बहुत लोग इसके ऊपर पैदल से पाँव रखे थे और वहाँ खेल कूद किए थे, दौड़ते थे, सभी के पाँव उसके ऊपर लगा लगा कर दर्द हुआ था, वो निराधार है। नेक्स्ट, किसान ने इसको सिर्फ 25 रुपए को खरीद लिया, ये क्या हुआ? निराधार हुआ। और जवारी ने उसको लेकर एक चांदी के डब्बा में रख दिया, वो आदर। पता होता है ना बच्चों, मैं क्या बोल रहे हो? निराधार कौन सा है, आदर कौन सा है? हाँ, ओके, सी नेक्स्ट। वो बोल रहा था, कौन ऐसे सोच रहा था, कौन हीरे, मैंने आदर भी पाया और निराधार भी। व्यापारी ने मुझे संभाल कर रखा, चोर ने अपने प्राणों के संकट में डालकर मुझे अपनाया। चोर अपने प्राणों को संकट में डालकर चोरी किया, लेकिन कहाँ रख दिया? नदी के किनारे गड्ढे पर। किसान ने बड़े प्यार से मुझे अपने हल की मूठ पर जड़ दिया। किसान ने क्या किया? बहुत प्यार से हल की मूठ पर रख दिया। नेक्स्ट, लेकिन केवल 25 रुपयों के लिए उसने मुझे आपको बेच कर, कौन? किसान ने सिर्फ कितने के लिए? 25 रुपए के लिए मुझे बेच लिया। नेक्स्ट, अब आपके पास आने के बाद मेरा बड़ा ही बुरा हाल है, क्योंकि वो क्या हुआ था, टुकड़े टुकड़े करके डिब्बे में डाल कर रखे थे ना, इसलिए वो सोच रहा था हीरे, यहाँ आकर मुझे और भी बुरा हाल हो गया, पहले से ज्यादा बुरा हाल हो गया, क्योंकि मुझे आपने टुकड़े टुकड़े किए हैं, वैसे हीरे ने सोच रहा था। और अपने मन में अपने आप आत्मकथा क्या क्या हुआ वो व्यक्त प्रकट कर रहा था हीरे ने। गॉट इट? ओके, हीरे कहाँ पैदा हो गया, और पहले कौन लिया, कौन पॉलिश किया, नेक्स्ट कहाँ गया, और कौन उसको चुरा लिया, सभी मैं बताई हूँ। बच्चों, तुमने क्या करो, ये पूरे पार्ट ऑलरेडी डू अंडरस्टूड मे बी, लेकिन क्या करो, और एक बार पढ़ाई करो। पढ़ाई करके यहाँ क्या दिए है ना, शब्दार्थ, सभी शब्दार्थ एक बार लिखो। लिखने के बाद मैं कल क्या करती हूँ, क्वेश्चन आंसर स्कूल में लिखती हूँ, लिखकर भेजती हूँ। ओके, अब पढ़ाई करते हैं ना तुमने। ओके, सी नेक्स्ट, वन मोर थिंग, नोटबुक में अभी तक क्या लिखे हैं, अभी तक लिखे हैं ना, फ्राइडे नहीं तो सैटरडे यू हैव टू सबमिट योर नोटबुक्स फॉर मी। मैं स्कूल में रहती हूँ, फ्राइडे नहीं तो सैटरडे नोटबुक्स लाना है, क्योंकि चेक करने के लिए। अभी तक पूरे एक महीना तक क्या लिखे पता होना चाहिए ना मुझे, इसलिए इफ यू अभी तक इनकम्प्लीट किए तो कंप्लीट करो, कंप्लीट करके फ्राइडे नहीं तो सैटरडे लाओ चेक करने के लिए। मैं अटेंडेंस देकर
इसके सामने मार्क करती हूँ कौन नोटबुक दिए है कौन नोटबुक नहीं दिए। प्लीज सो यू हैव टू सबमिट योर नोटबुक्स फ्राइडे और सैटरडे। मैं स्कूल में रहती हूँ, 2 बजे तक स्कूल में रहती हूँ, लेकिन यू हैव टू ब्रिंग बिफोर 1:30। बिफोर 1:30 यू हैव टू ब्रिंग। लाते हैं ना, कंप्लीट करते हैं ना नोटबुक का। ओके बाय।